खेल विभागीय राम जनमंडल के तत्वाधान में आयोजित संत समाज के इस सम्मेलन में मैं सभी संतों का अखिल भारतीय रामजन मंडल के पीठाचार्य श्री भगवान दास जी स्वामी कृष्णानंद महाराज जी अखिल भारतीय रामजन मंडल के संयोजक रघुवर दास जी अखिल भारतीय रेगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल नवल साहब इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय अशोक डोगरा जी और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री बाबूलाल जी धातुनिया जी सभी इस संत सम्मेलन में पधारे सभी श्रद्धालु भाइयों बहनों माताओं आज हम सब श्री श्री आचार्य 108 जीवाराम जी महाराज को याद कर रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे ब्रह्मलीन हो गए लेकिन उन्होंने समाज के अंदर आध्यात्मिक जागृति पैदा की और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से इस समाज के अंदर किस तरीके से हम आध्यात्मिक ज्ञान धर्म से अपने जीवन को बदल सकते हैं कैसे इस जीवन के अंदर पुण्य का काम कर क्योंकि हमारे धर्म में सहिष्णुता है प्रेम है एक दूसरे की सहयोग करने के हमारी संस्कार संस्कृति है भारत ही पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम परिवार मानते हैं इसी भारतीय संस्कृति संस्कारों को हमारे धर्माचार्यों ने गांव गांव धानी धानी तक पहुंचाने का काम किया हम स्वर्गीय ब्रह्मलीन रूपदास जी महाराज को भी याद करते हैं जिन्होंने इस समाज में आध्यात्मिक धार्मिक जागृति पैदा की जीवाराम जी के बारे में बाबूलाल जी ने बहुत विस्तृत से बताया उन्होंने अपने हाथ से 27 से ज्यादा किताबें लिखी और उस समय लिखी जब समाज के अंदर न सामाजिक जागरूकता थी न आध्यात्मिक जागृति थी उस समय उन्होंने गांव गांव में जाकर अपने उद्देश्य से अपने ज्ञान से लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया क्योंकि मेरा हृदय समाज से बहुत निकटता और घनिष्ठता का संबंध है और इसके कारण मैं जानता हूं इस समाज ने बहुत कष्ट और दुख झेले हैं इस समाज में अभी भी एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है एक सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता और इस सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए हमें समाज में शिक्षा लानी पड़ेगी जब जब जिस देश के अंदर जिस समाज के अंदर
शिक्षा रूपी उजाला पहुंचा, उस समाज में जागृति आई, देश में नए परिवर्तन आए। बीएल राव साहब जैसे प्रशासनिक अधिकारी उस समय अपने कठिन परिश्रम से उन्होंने सेवाओं के अंदर योगदान दिया। और एक बच्चा जब पढ़ लेता है समाज के अंदर तो समाज का नेतृत्व करता है, परिवार का नेतृत्व करता है और वह समाज को फिर आगे ले जाने का काम करता है। और आपने देखा होगा जिस समाज के अंदर शिक्षा आध्यात्मिक संस्कृति का ज्ञान पहुंचता गया उस समाज के अंदर एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आते थे। लेकिन अब इस 75 वर्षों के बाद भी हमें हमारे संतों ने हजारों वर्षों तक भारतीय संस्कृति वैदिक ज्ञान के माध्यम से हमें सुसंस्कृत करने का काम किया। मुझे याद है वैदिक समाज के आज भी संत यहां पर बैठे हैं, ये संत सभी गांव-गांव में रहते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और उस समाज के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान से कैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो सकता है उसका उस समाज में उपदेश देते हैं। इन संत समाज का इस भारत के अंदर इस संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और दुनिया के अंदर इस भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए कई वर्षों तक कई अलग अलग संस्कृति विचारधाराओं के लोगों ने राज किया, लेकिन भारत की संस्कृति को कोई खत्म नहीं कर सका क्योंकि हमारे संतों ने उस विकट परिस्थिति में भी भारत की आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति को जीवंत रखा। ये संत समाज का योगदान और इसीलिए आज मैं कह सकता हूं कि किस समर्पित सेवा के माध्यम से इस समाज में परिवर्तन हुआ है। लेकिन हमें और परिवर्तन करने की आवश्यकता, हमें इसके लिए साझे प्रयास करने होंगे, मिलकर प्रयास करने होंगे। और जो बच्चा पढ़ लिख के आगे चल गया, जो परिवार आगे चले गए, जिनके जीवन में समाज में जो कुछ भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ है उसको समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए एक कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता। मैं बीच में वेगर समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में गया था, उस समय मैंने कहा था कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक पीढ़ी को बलिदान देने की आवश्यकता, एक पीढ़ी को त्याग करने की आवश्यकता, एक पीढ़ी को कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता। एक पीढ़ी ने त्याग बलिदान कर दिया तो आने वाली पीढ़ी रेगर समाज की इस देश और प्रदेश में नेतृत्व करेगी, ये क्षमता रेगर समाज। मैं रेगर समाज के लोगों को जानता हूं, वह कठिन परिश्रमी होते हैं, परिश्रम के साथ आध्यात्मिक के कारण उनके हर काम में आध्यात्मिक धर्म के कारण सत्य होता है। कठिन परिश्रमी हो, सत्य पर चलने वाला हो, सुसंस्कृत समाज हो, उस समाज के अंदर निश्चित रूप से परिवर्तन आ सकता है और ये परिवर्तन हमें लाना ही है। जब बाबूलाल जी मेरे पास आए थे तो मैंने कहा मैं निश्चित आपके समाज में आऊंगा और मेरा वचन है आप मिलेंगे हम मिलेंगे, मिलकर इस समाज के अंदर सामाजिक आर्थिक और शिक्षा के माध्यम से एक नए परिवर्तन के युग का इतिहास लिखेंगे। और इसीलिए हमें गांव गांव जाना चाहिए, शहर के अंदर जाना चाहिए, जिस तरह से हमारा आध्यात्मिक गुरु जाता है वैसे ही समाज के कुछ लोगों को उन गांव के अंदर क्या कठिनाइयां हैं, क्या चुनौतियां हैं, उन कठिनाइयों और चुनौतियों का कैसा समाधान हो सकता है, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। बीएल नवल साहब ने एक बात
दिल्ली में भी रखी थी लेकिन दिल्ली के बाद मुझसे आके मिले। मैं आज उनसे कह रहा हूं कि आपकी हर समस्या का समाधान का अंतिम पड़ाव में होगा, आप समस्या लेकर आए मैं उसका समाधान का प्रयास। अभी बाबूलाल जी ने एक बात रखी, सरकार की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से वह प्रस्ताव भी हुआ है, केंद्र की सरकार को मैं कागजपूर्वक कहूंगा कि वह यहां पर श्री जीवाराम जी आचार्य महाराज का स्थान बनाए जहां देश भर का विगत समाज है। और वह नहीं करता तो अपन और आप मिलकर समाज के लोग करेंगे, एक एक ईंट एक एक रुपया लेकर तैयार करेंगे, लेकिन उस स्थान पर आकर जीवाराम जी महाराज का जीवन, उनका संघर्ष, उनका आध्यात्मिक ज्ञान और उन्होंने जो 27 किताबें लिखी है उन किताबों के माध्यम से समाज में कैसे परिवर्तन हो सकता है, आने वाली पीढ़ी उसको यहां पर आकर स्थान को देखेगी, समझेगी कि किस तरीके से हमारे संतों ने इस समाज में परिवर्तन करने का काम किया। और इसीलिए आपके बीच में आने का मौका मिला, विशेष रूप से तो मेरी ये इच्छा थी कि अलग अलग राज्यों से, देश से संत समाज के जो लोग आ रहे हैं उनका दर्शन करने का सुअवसर में कैसे हो सकता था, आज उनके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस समाज को आगे बढ़ाएंगे, इस समाज में नए परिवर्तन लाएंगे और इस परिवर्तन के लिए एक साझे प्रयास करेंगे। पुनः इस संबंध में पधारे सभी संतों को प्रणाम करता हूं।